तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान नियत वाले हैं। कल मैं भारत हिंदू सियासत ओमपुरी की जो कीचड़ उछाला जा रहा है ओमपुरी पर वो बताया था, लेकिन ना मालूम मेरा वीडियो अपलोड होते ही रहा, प्रोसेस है बताया, फिर वो वीडियो कंप्लीट होके सामने नहीं आया। मुझे डर है कि मेरा कैमरा शायद ख़राब हो गया हो या फिर मेरे वीडियो 1000 के करीब आ गए तो मेरे को इजाज़त नहीं होगी आगे, या फिर कोई दुश्मन इस्लाम मेरे वीडियो के ख़िलाफ़ कंप्लेंट भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ एक मिलो नाम का गे आदमी इस्लाम के ख़िलाफ़ तहसुब रखने की वजह से काफ़ी जहर उगला इस्लाम के ख़िलाफ़, तो उसका फेसबुक यूट्यूब या कहीं और जगह पे उसके जो है पता नहीं कोई वेबसाइट है जहाँ पर उसके वीडियो को रोक दिया गया। इस तरह से अक्सर वीडियो को रोक दिया जाता है, उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, क्योंकि वही वो जो वेबसाइट है उसके मालिक होते हैं। बहरहाल अब मैं एक ख़ास बात मेरे अपने नौजवानों को बताऊं। देखो न्यूयॉर्क के अंदर 3 यूनिवर्सिटी काफ़ी मशहूर हैं, प्रिंसटन जो न्यू जर्सी में है, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो 115 स्ट्रीट जो है आपको अपटाउन की तरफ आती है वो, और फिर हेवार्ड। ये 3 यूनिवर्सिटी हेवार्ड और कोलंबिया और प्रिंसटन यहाँ के न्यूयॉर्क के एजुकेशन में टॉप है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटीज़ में, और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी भी है नाम से। तो एजुकेशन यहाँ बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर अगर कोई लड़के पढ़ के निकलते हैं तो फ़ौरन इन्हें जॉबें भी मिल जाती है। अगर कोई हमारे मुल्क से आना चाहता है तो न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटीज़ का अगर से डालें तो आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे पूरी डिटेल दे देंगे। फिर यहाँ आने के बाद आदमी जो स्टूडेंट है पढ़ने के ज़माने में 20 घंटे उसको इजाज़त मिलती है जॉब करने के लिए, वो जॉब कर सकता है और फिर उसके सेमेस्टर्स के पैसे निकाल सकता है, फीस के पैसे निकाल सकता है। और जो अमेरिका के न्यूयॉर्क के बच्चे हैं जो यहाँ के सिटीज़न या ग्रीन कार्ड होल्डर के बच्चे हैं और पढ़ रहे हैं अमेरिका में, तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, ख़ास करके सिटीज़न लड़कों को 40,000-44,000 तक हर यूनिवर्सिटी वाला ऑफ़र करता है। मेरे बच्चों में बड़ा लड़का 40,000 उसको स्कॉलरशिप मिली और वो कॉलेज जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह ये साल से, और दूसरा अगले साल से जाएगा क्योंकि अभी वो 17 साल ख़त्म हुए उसके अगस्त में, तो उसको भी इतनी यूनिवर्सिटीज़ के लेटर्स आए, मेरी हैरान रह गई अक्ल कि आखिर इसके पास इतना कैसा जो है टैलेंट है कि हर यूनिवर्सिटी वाला इसको स्कॉलरशिप के साथ साथ ऑफ़र कर रहा, हमारी यूनिवर्सिटी में तुम जो है दाखिला लो। 95% से कभी नीचे नहीं आते उसके, बचपन से यही हाल है उसका, और वो एग्ज़ाम्स के पहले जाके पढ़ लेता भी नहीं, एग्ज़ाम ऐसे लिख के आ जाता, और रात तमाम एग्ज़ाम के ज़माने में भी वो वेबसाइट पे या एक्सबॉक्स पे या फिर जो है उसके जो फ़न के जो गेम्स के है वो खेलता। अच्छा बहरहाल मैं बताना क्या चाह रहा था नौजवानों को कि मेरे मुसलमान लंदन में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इस तरह से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूरोप के अंदर, आपको अगर से इस्लाम का काम करना है तो सबसे पहले ये बताना इनको कि न्यूयॉर्क की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर आप लोग अगर से काम करना चाह रहे हैं तो अमेरिका के अंदर 30,000 लोग साल में मरते हैं, इस तरह से 9/11 के बाद कितने मरे वो बताना है। एक दूसरा ये कि देखो मैं कल जोहा विटनेस के एक चाइनीज़ या
कोरियन या उसका फिर चेहरा जो है जापानी था, क्योंकि वो भी एशियन ही है हमारी तरह। मेरे चेहरे को भी बाज़ वक़्त यहाँ के लोग फिलिपिनी समझते हैं या बंगाली समझते हैं या श्रीलंकन समझते हैं। मुझे कभी कोई पाकिस्तानी ने समझा या तो इंडियन समझे, क्योंकि मैं काला हूँ, उतना गोरा नहीं। और पाकिस्तानी जो है वो जो गोरे होते हैं वो चेहरे से नज़र आ जाते हैं, पहचाने जाते हैं। पंजाब साइड का जो है चेहरा वो पाकिस्तानी अलग नज़र आता है। उसी तरह इंसान को ये बात भी समझनी चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ सांभर इडली डोसा वड़ा की बात करेंगे, पूरी की बात करेंगे। अगर आप तेलंगाना या आंध्रा में आ जाएं तो यहाँ पूरी मिलेगी आपको जो नाश्ते में, फिर यहाँ भी इडली वड़ा सांभर मिलेगा। फिर आप आ जाएंगे गुजरात में तो ढोकला मिले, ढोकला बोलते हैं उसको, वो मिलेगा। फिर आप जो है थोड़ा महाराष्ट्र में आ जाते हैं, खारी जो चाय के साथ डबल रोटी मिला के खाते हैं, पीते हैं, खाते हैं वो मिला के चाय में। फिर आप चले जाएंगे पंजाब, वहाँ पर हलवा पूरी मिलता है। तो इस तरह से जो खानों के शौक़ भी, खानों के जो तरीक़े उसकी रसूमात के अतबार से, वहाँ के कल्चर के अतबार से है, उसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानी चेहरे भी ऐसे ही बनाए। लेकिन अमेरिका की एक ख़ास बात बता दूँ, या तो गोरा समझो या काला समझो, ये दोनों में तासुब है, इंसान मिलके नहीं रहता। ये बात आ गई सामने। दूसरी बात, अभी इलेक्शन में हिलारी क्लिंटन जीत रही, जैसा दो एक स्टेट में ऑलरेडी वो जो पहले पोलिंग होती है उसमें 28% कुछ बताया हिलारी क्लिंटन आगे होगी, और रिपब्लिकन्स हिलारी क्लिंटन को दाले बोल के बताया एक ब्रेकिंग न्यूज़ में। तो मैं इस तरह से ख़बरें भी देता हूँ। अब मैं ये यूनिवर्सिटी की खबरें इस वास्ते दे रहा हूँ कि नौजवान स्टूडेंट जो है अमेरिका या यूरोप में पढ़ने आने निकलते हैं। मैं तो कहूँगा कि कश्मीर को हर नौजवान छोड़ दे, अगर तुमको कश्मीर वाकई कुछ बनाना है। ये 60 साल के अंदर तुमको ग़ुलाम बना के रखे, जिस तरह से ब्रिटिश ने इंडियंस को ग़ुलाम बना के रखा था, वैसे ही आज हिंदुओं के बल पे जी रहा है मुसलमान कश्मीर का। वो हिंदुस्तान छोड़ दें और कोई ना कोई दूसरे ममालिक को जाकर, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड या आरकेन जो रशिया का छोटी सी स्टोरी कम पढ़ाई वाले, वैसे ममालिक को जाके पढ़ ले और अपने सूबे को छोड़कर पूरी दुनिया का सोचे और अल्लाह के दीन की दावत के घर से निकल जाए। साहबा इसी तरह निकले थे, आज इस वास्ते पूरी दुनिया में इस्लाम है। उस्मान अली गनी रज़ी अल्लाह के ज़माने में अफ्रीका तक भी इस्लाम आ गया था, चारों तरफ आ गया था, स्पेन तक आ, पूरी दुनिया के अंदर इंडिया हर वो जगह आ गया था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ने चौथी जो है अमीरुल मोमिन थे आप हुकूमत के अतबार से, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। इस तरह से जो हुकूमत थी अमीरुल मोमिनीन की, वो जो भागदौड़ थी, उसकी जो इस्लाम की पहुंच थी, वो पूरी दुनिया में आ गई थी। तो आज भी सहाबा के जैसा काम करने वाले नौजवानों को मैं इन यूनिवर्सिटीज़ में बता रहा हूँ कि इनको बताओ कि अल्लाह ने ईसा को पैदा किया। मैंने कल जो जोहा विटनेस वाले से बात की थी, बोला वो एशियन चेहरा है, तो वो उसको मैंने बताया कि जब तूने खुदा को ही नहीं देखा उसको बेटा है क्यों बोल रहा, तो कहता है स्क्रिप्चर्स बोलते हैं हमने। फिर मैंने उसको बताया स्क्रिप्चर्स 31 टाइम्स चेंज हो गए, तेरे को मालूम क्या? वो बता कहाँ लिखा हुआ है बताओ। फिर वो क्या करता, वो जो जोहोवा वाले बना के रखे वेबसाइट के अंदर, अब क्लिक करा तो जोहोवा के रेफरेंस आएंगे, उसी तरह अगर से आप क्लिक करेंगे तो जूश के जूश रेफरेंस आएंगे, आप करेंगे हिंदू तो हिंदू के रेफरेंस आएंगे, उसी तरह इस्लाम के चीदा चीदा है, क्योंकि ये मुसलमान मिलके नहीं रहता, अल्लाह खुद बता दिए। तो हमारे कोई सिस्टमेटिक नहीं रहते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान एक ऐसी जादू वाली और ऐसी मौजूज़े वाली और ऐसे करिश्मा और ऐसे मिराकल वाली बुक है, जिससे जो है मुसलमान कुछ काम भी ना करे तो खुदा की कुदरत से हर बात सामने आ जाती है। अब जैसे आप ये ले लें, अल्लाह ताला सूरह यासीन में कह रहा है हम इंसानों का हिसाब लिख रखा है लौह महफूज में, ये बात के ऊपर कोई तुम्हारे को नज़रसानी नहीं कराएगा दूसरे मज़हब वाला। मैं हर बार निशानियों के साथ बात करता हूँ, मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें अल्लाह की निशानियाँ ना हो। तो अल्लाह कह रहे हैं कि मैं इंसान के ज़िंदगी का पूरा चट्टा बट्टा
उसके यहाँ पर एक चिप रख दिया दिल के पास, और ये हाथों पे मुनकिर जो है आपके लिख रहे हैं, ये किरामिन कातिबिन लिख रहे हैं, और आपको मुनकिर नकीर के ज़रिए वहाँ पर मिल जाएगा हिसाब। कहाँ पर? हशर के मैदान में। ये अल्लाह ताला लौहे महफूज का रिकॉर्ड तुम्हारी अंदर ही चिप रख दिया कंप्यूटर की तरह, यह पूरा रिज्यूमे की तरह सामने आ जाएगा। तो मेरे मुसलमान, अगर यूनिवर्सिटीज़ में तुम काम करते हो, तुम्हारा फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा, तुम आने वाली नस्लों को इस्लाम का दुश्मन नहीं बता सकता कोई। अगर आप बता दिए कि अमेरिका के अंदर नाहक मासूम लोग जो मरते हैं वो मुसलमान नहीं मारता, बस एक काफ़ी है, 15 साल का हम जो 9/11 के बाद का रिकॉर्ड दे दो तो इंसान गौर करेगा। दूसरा, अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम, सुनो ये बताएं, और ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल नहीं दी, यही काफ़ी है। तो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों, अगर से तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं कहता हूँ, जो हिंदुस्तान में है कोई भी मुसलमान बच्चा, अगर कोई मुसलमान उसकी मदद कर दे, जैसे बाद लोग मिडल ईस्ट के हाफिज़ कुरान बनाने के लिए मदरसों में हिफ्स कराने के लिए मदरसों में ये कह देते हैं कि जी मैं एक बच्चे की ज़िम्मेदारी ले लिया ये हाफिज़ हुए तक, मैं बच्चे के खाने पीने की ज़िम्मेदारी ले लिया ये हाफिज़ हुए तक, मैं जो है इंशाल्लाह ये तरावियां पढ़ाए तक मैं इसकी जो है ज़िम्मा ले लिया, इस तरह से बताते हैं। मैं कहता हूँ मेरे मुसलमान, अगर तुम साहिब इस्तेदात हो, देखो तुम बड़ी बड़ी शादियाँ कर रहे हो, पूरी शादियाँ फेल हो रही, हैदराबाद की नहीं पूरे हिंदुस्तान की बता रहा हूँ, हिंदुओं के साथ भाग जा रही औरतें, हमारी बहनें, दीनी बहनें हिंदुओं के साथ भाग जा रही, जबकि वो उनके पास खुदा नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, उनके खुदाओं को अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं हिंदुस्तान में सुनाया जा रहा, लेकिन मुसलमान को ये बात समझ में नहीं आ रही, अल्लाह के सिवा उनके खुदाएँ सुन रहे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं कैसा बोल रहा और कोई सामने नहीं आ रहा। तो मेरे मुसलमान, अगर तुम ज़िम्मा ले लो एक बच्चे का किसी बाहर मुल्क में पढ़ाने का, ढूंढो अपने महल्ले में, रिश्तेदारों में, अपने हमसाए में, और एक को पढ़ा लो। तालीम का जो है आना अल्लाह के दीन में बहुत बड़ी बात है। देखो इंडिया के अंदर की सियासत देख लो, कभी भी लीडर के पीछे जितने भी घूमते हैं उनमें कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, मैं सच सच बता रहा हूँ, और जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो जो है सियासत से दूर रहते हैं, हिंदुस्तान की सियासत से दूर रहते हैं। एक हकीकत है, अक्लमंद इंसान अपना मुस्तकबिल बनाने सोचता है, और अक्लमंद मुसलमान अपने मुसलमान का मुस्तकबिल बनाने के लिए एक को जो है यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़िम्मा ले लो, अगर साहिब इस्तेदात हो। शादियों का खर्चा कम करो, इंशाल्लाह तुम्हारी खुशियों वाली शादी हो रहेगी, मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल और हमारे उमर ने बताया कि जो कम डाउरी वाली फिल्म शादी होती है या इसराफ नहीं है सो वाली शादी होती है वो लॉन्ग रन चलती है। समझो मेरी बात। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।